हेलो फ्रेंड, कैसे हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो H40 नियो 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ लावा का लेटेस्ट में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन लावा अग्नि 2 5G, इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो मोटो H40 नियो 5G को भी उनकी प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ लावा अग्नि 2 5G को भी 1999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तरफ मोटो H40 नियो 5G में MediaTek का Dimensity 7030 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ लावा अग्नि 2 5G में MediaTek का Dimensity 7050 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर अंतत स्कोर की बात करी जाए तो उसमें तो आगे निकल जाता है लावा का अग्नि 2 5G, क्योंकि लावा अग्नि 2 5G का जो अंतत स्कोर निकल के आता है 544,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो H40 नियो 5G का जो अंतत स्कोर निकल के आता है 493,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो मोटो H40 नियो 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3400 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ लावा अग्नि 2 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3600 निकल के आता। तो एक बात तो क्लियर होगी, परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा बेटर हो जाता है लावा का अग्नि 2 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर डिस्प्ले के मामले में तो ज्यादा एडवांटेज आप लोगों को मोटो H40 नियो 5G के डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। 6.55 इंच की फुल HD प्लस PoE डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 144Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ लावा अग्नि 2 5G में 6.78 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले आप लोगों को कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है मोटो का H40 नियो 5G, क्योंकि मोटो H40 नियो 5G 1300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ लावा अग्नि 2 5G में 950 निट्स की ही ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा मेगापिक्सल वाला प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, फिर भी कैमरे के मामले में काफी ज्यादा बेटर हो जाता है मोटो का H40 नियो 5G, क्योंकि मोटो H40 नियो 5G के कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ लावा अग्नि 2 5G के बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.88 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के तीन कैमरे 8+2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में तो बेटर हो जाता है मोटो का H40 नियो 5G, क्योंकि मोटो H40 नियो 5G में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ लावा अग्नि 2 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। H40 नियो 5G में Dolby Atmos देखने को मिल जाता है जबकि लावा अग्नि 2 5G में Dolby Atmos देखने को नहीं मिलता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो बैटरी के मामले में भी थोड़ा बेटर हो जाता है मोटो का H40 नियो 5G, क्योंकि मोटो H40 नियो 5G में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 68W के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ लावा अग्नि 2 5G में 4700mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 66W के फास्ट चार्जिंग के साथ, USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, जिस दोनों स्मार्टफोन के रियल लाइफ के गेमिंग परफॉर्मेंस में भी इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। डिस्प्ले के मामले में ज्यादा एडवांटेज आप लोगों को मोटो H40 नियो 5G में देखने को मिल जाते हैं। कैमरा वाइज भी अगर देखा जाए तो मोटो H40 नियो 5G
में OIS वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, बिग बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, जो कि ये सब आप लोगों को लावा अग्नि 2 5G में देखने को नहीं मिलता है। अगर आप लोग भी अपने लिए कर्व डिस्प्ले वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग मोटो H40 न्यू 5G को ही बाय करें।